अब अगला चैप्टर है एक्सपेरिमेंट विद वाटर, यानी कि पानी के साथ एक्सपेरिमेंट। तो पानी के साथ सिंपल सी बात है, थोड़े बहुत हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या डूबेगा, क्या तैरेगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वही सारी चीजें बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी शुरू में दी गई है कि भाई यहाँ पर एक बच्ची होती है, वो पूरी बना रही होती है। तो मम्मी पूरी बनाती है, तो पूरी का आटा ऐसे बेलती है, और आटा बेलने के बाद पूरी को तेल में डाल देती है। जैसे वो तेल में डालती है, जो पूरी होती है, मतलब जो आटा होता है, वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो पूरी बन के फूलने लग जाती है और ऊपर तैरने लग जाती है। तो आयशा के दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा क्या क्या हो रहा है, मतलब वो पहले डाला वो डूब गई और थोड़ी देर के बाद वो जो है तैरने लग गई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके मन में ये सवाल होता है, मतलब वो फ्लोट होने लग गई, वो डूब रही है। बात देखिए कैसे कैसे कंसेप्ट को बिल्ड किया जा रहा है कहानी के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि आयशा जो है एक बार नहा रही होती है, तो नहाते नहाते जब बाहर आती है तो पानी के अंदर साबुन डूब जाता है, मतलब साबुन जो है पानी के अंदर गिर जाता है, बाल्टी के अंदर गिर जाता है, तो साबुन नीचे डूब जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि उसको हटाओ, तो वो क्या करती है, साबुन को लेती है, और ये आप देख सकते हैं एक टब है, उसका जो केस है, जो सोप का जो केस होता है, उसके ऊपर रख करके साबुन को रख देती है। देखती कि साबुन तो तैरने लग गया, मतलब कोई जो साबुन खुद डूब जाता है, लेकिन साबुन को अगर केस पर हम रख रहे हैं तो वो तैर रहा है, क्या चक्कर है। तो यहां पर कई बार इन सब चीजों को लेकर के यहां पर बात क्यूरियोसिटी डेवलप करी जा रही है। देखिए क्वेश्चन अभी पूरे चैप्टर के अंदर प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बच्चों से हम कुछ सवाल पूछते हैं, यहां पर वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक यहां पर आपने सुना होगा अकबर और बीरबल की भी कहानी है कि एक बार बोलता है कि एक लकड़ी है, लकड़ी पानी में तैरती है भारी, और एक जो उससे हल्का जो लोहा का रिंग होती है वो डूब जाती है। अब लोहे की रिंग को ऐसा क्या करे कि वो डूबे ना। तो कहने का मतलब है अगर दोनों साथ मिल जाएं तो वो नहीं डूबेगा। तो वही बात यहां पे कही गई है। तो काफी सारे यहां पे सेंसिटिव बातें भी हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है बच्चों के दिमाग में कि एक वुडन बोट जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट करती है, और एक नीडल जो है पानी में डूब जाती है। हमने पढ़ा था ना, एक क्वेश्चन हमने ईवीएस के अंदर पढ़ा था कि कविता, हम कई बार कविता का इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, ईवीएस के अंदर, क्यों करते हैं, कंसेप्ट के अंदर क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। देखिए ये कविता के रूप में यहाँ पे लिखी हुई है, क्यों दी गई है, क्या हमें बच्चों को कविता याद करवानी है, जी नहीं। क्या हमें उनके अंदर साहित्य का गुण डेवलप करना है, जी नहीं। बल्कि ये कविता यहाँ पर इसलिए दी हुई है ताकि बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी हम अच्छे से डेवलप करा पाए। बच्चा सोच रहा है कि यार ये इतना बड़ा शिप पानी में तैरने लग जाता है, लेकिन एक छोटी सी जो तिल्ली है वो मतलब सुई जो है वो डूब जाती है, लेकिन सुई को पत्ते पे रख के करो तो सुई तैरती है, चक्कर क्या है। तो मन में क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाली बात है। हालांकि आपको तो पता ही है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। यहां पर बच्चे के लिए एक एक्टिविटी दी गई है कि एम्प्टी बाउल, एक कटोरी को रखो, कि मतलब आई देखिए यहां पर क्या है, आई गेस्ट आई बिफोर डिड इट आई सॉ व्हेन आई डिड इट, मतलब हमने खाली कटोरी ली और कटोरी को लेने के बाद बच्चों से पूछा अच्छा ये बताओ ये डूबेगी कि तैरेगी, तो बच्चे ने बोला कि ये तो डूबेगी, तो यहां पर मतलब लिख देंगे ड्राउन, लेकिन असल में वो तैरने लग गई, वो फ्लोट। यानी कि बच्चों से एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि उनकी क्यूरियोसिटी शांत हो। आप समझ सकते हैं, देखिए ये एक्टिविटीज हम बोलते ना कि ईवीएस की किताब में क्या है क्या नहीं है, एनसीईआरटी किताब खराब है, अगर आपने एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ी तो आपने लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा। तो वो लोग क्या है, उनको खुद नहीं पता है इसके बारे में, ये क्या है उनकी भी दिक्कत नहीं है, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे मतलब यही दिक्कत है कि हमारे टीचर्स को ही सेंसिटाइज नहीं किया गया किसके बारे में, किताबों के बारे में, ताकि वो इसकी अच्छाइयों को जान पाए। हालांकि कई बार क्या है कि काफी सारी ऐसे दूसरे रूल्स भी होते हैं जो कि इस तरीके से इंपोज होते हैं कि वो लोग ऐसा काम नहीं कर पाते, लेकिन अधिकतर केस में उनको ये पता ही नहीं होता। ये मेरी पर्सनल डिस्कवरी है, ये मैंने पता किया है और मेरे को ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, यही है कि डूबेगी नहीं डूबेगी, इसी के बारे में बात करी जा रही है। अभी देखिए यहां पर क्या किया उसने, एक एक्टिविटी कराई, ये एक्टिविटी मैंने भी बच्चों के साथ कराई थी। यहां पर क्या था, एक गिलास लिया और गिलास के अंदर पानी डाला और पानी के अंदर नींबू डाल दिया, तो नींबू पानी में डूब गया। फिर थोड़ी देर क्या हुआ, एक गिलास लिया उसमें उसको तैरने दिया, उसके अंदर भी पानी रखा और उसके अंदर नींबू डाल दिया, और फिर उसके अंदर नमक पे नमक डाले जा रहे हैं। नमक डालने से क्या हुआ, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, और क्या हुआ, यहां पर जो नींबू है ऊपर तैरने लग गया। तो ये क्या एक्टिविटी है कि कोई चीज डूब रही थी और लेकिन वो तैरने लग गई, तो ये क्या चक्कर है। तो डेंसिटी का भी फर्क पड़ता है, इसका भी कंसेप्ट हमें बच्चों को बताना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है डेड सी का, आपको याद होगा कि
पिछले हफ्ते जब हमने एमसीक्यू का सेशन किया था अगले दिन, तो उसमें डेड सी का कंसेप्ट आया था और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट विद वाटर से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि एक बच्चा लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पर बच्चा लेटा हुआ है, आप देखिए ये अब पानी के ऊपर कोई कैसे लेट सकता है, लेकिन ये जो पानी है ये डेड सी है, यानी कि मृत सागर है। आप देखिए यहां पर पिछली बार मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने आपको बताया, मैंने बोला था कि मुझे याद नहीं आ रहा, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ, आप में से किसी ने मुझे बताया भी था, 300 ग्राम जो नमक है एक लीटर पानी के अंदर मिला होता है। मतलब आप समझ जाइए कि अगर आप एक लीटर पानी मृत सागर से अगर उठा लेते हैं तो उसके अंदर से 300 ग्राम नमक आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, जिस वजह से वहां पर लगभग कोई भी चीज डूब नहीं सकती, यही कारण है। तो इसी कारण ये बच्चा लेटता हुआ दिखा रहा है और ये भी बच्चे के दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप करता है कि पानी के अंदर तो इंसान डूब जाते हैं लेकिन ये बच्चा तैर कैसे रहा है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, हॉट टॉपिक रहा है आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर, और इसके ऊपर प्रश्न बहुत ज्यादा आए हैं, अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये कुछ और कुछ एक आधा एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए, इसके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ले दे के बात इतना ही है कि ये समझाया जा रहा है कि भाई पानी जो है, पानी के अंदर कुछ चीजें डूबती हैं, कुछ चीजें तैरती हैं, डिपेंड करता है कि पानी की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर लोहा पानी के अंदर, अगर सुई डूब जा रही है लेकिन लोहे की अगर शेप चेंज कर दी जाए कि वो कितना पानी स्कैटर कर रहा है, उस हिसाब से आप, हम तो बड़ी क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उन पता है कि किस तरीके से उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि वो तैरेगी या डूबेगी। यहां पर एक डेंसिटी के बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि यहां पर तीन ड्रॉप्स, एक तेल की ड्रॉप है, एक पानी की ड्रॉप है और एक शायद चीनी मिला करके कोई सॉल्यूशन है, तीनों को उसको यहां पर लगाते हैं और एक ट्रे पर तीनों की एक एक बूंद डालते हैं और देखते हैं कौन सी बूंद जो है सबसे तेजी से नीचे तक पहुंचती है। तो सिंपल सी बात है, तेल आपको पता है कि थोड़ा ज्यादा डेंस होता है तो वो बेचारा पीछे रह जाता है और ये जो अपना पानी है बड़ी तेजी से भाग जाता है। ये वाटर रेस हमने अपनी क्लास में भी कराई थी और बड़ा मजा आया था, बच्चे बहुत खुश हुए थे और इस तरीके से किया था कि जैसे मतलब चीयर्स होने लग गए थे, ये वाटर, क्योंकि पहले हमने बात करी थी और चर्चा करने के बाद हमने कहा था, पूछा था कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, तो पहले हमने सबकी टीम बना दी, उस सपोर्टर बना दिए, वाटर का सपोर्टर बना दिया और शुगर सॉल्यूशन का सपोर्टर बना दिया और ऑयल का सपोर्टर बना दिया। बच्चों को कहते हैं, बच्चे सारा सामान लेकर के आते हैं, बच्चे ही सामान लेके आए, मैं कुछ नहीं लेके आ गया था। और फिर उसके बाद जब किया, बच्चे इतने मजे आए उनको और बड़ा खुश हुए वो, तो रेसिंग ड्रॉप्स, ये रेस मैंने भी कराई थी अपनी क्लास में, बहुत अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद यहां पर एक कंसेप्ट आता है डांडी मार्च का। कई बार हम डांडी मार्च के ऊपर पेपर में प्रश्न आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो 7वीं 8वीं की एसएसटी पूछ ली उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र 5वीं क्लास के अंदर किया गया है, क्योंकि यहां पर नमक का जिक्र काफी देर पहले से हो रहा है। तो यहां पर डांडी मार्च का जिक्र किया गया है 1930 में, जहां पर गांधी जी ने नमक बना करके उन्होंने तोड़ा था, बोला था कि हम तो नहीं मानेंगे, और दांडी मार्च के अंदर उन्होंने नमक बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। इसके बारे में हिंदी में भी एक चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था, सफर, इसका सफर स्वतंत्रता की ओर ऐसे शायद एक चैप्टर है, 4वीं क्लास में ही शायद चैप्टर है, उसके अंदर भी दांडी के बारे में जिक्र किया गया है। कुछ कुछ एक्टिविटीज दी हुई है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। मेजर जो पॉइंट्स, आई होप वो सारे क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, साथ में आप नोटबुक रखिए ताकि सारी जो दिक्कतें हैं वो बिल्कुल भी ना रहें। यस, इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया। यस, चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। सम ऑब्जेक्ट सिंक्स एंड सम ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर। कुछ चीजें डूब जाती हैं, कुछ चीजें तैरती हैं। अ मटेरियल विल सिंक और फ्लोट, इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर लाइक वेट, नेचर, शेप। यानी कि कोई चीज पानी में डूबेगी या तैरेगी ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसका वजन कितना है, उसका नेचर कितना है। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट का नेचर ही होता है कि वो डूबेगी और कुछ का नेचर होता है कि वो तैरेगी। जैसे लोहा, लोहे का नेचर है डूबने का, लेकिन अगर लोहे की शेप अगर बदल दी जाए वो तैरने लगेगा। और तीसरा है शेप। अगर ये सारी चीजें फेवर में होती हैं तो कोई चीज तैर सकती है, अगर ये सारी चीज डिसफेवर में होती हैं तो वो डूब जाती है। बाय चेंजिंग द शेप वी कैन मेक एनी आइटम टू फ्लोट ऑन वाटर। अगर हम किसी वस्तु का शेप बदले जो कि अनुकूल शेप है, अगर उसमें बदल दें तो कोई किसी भी चीज को हम तैरा सकते हैं। सॉल्ट मेक वाटर मोर डेंस एंड हैवी। नमक जो है पानी को बहुत ज्यादा डेंस और भारी बना देता है। डेड सी इज इन इजराइल, कई बार इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। हालांकि डेड सी जो है तीन अलग अलग देशों की बॉर्डर्स को जोड़ता है। तीन अलग अलग देश हैं, शायद में वो जमाइका भी है, जमाइका है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तीन देश हैं जिनके बॉर्डर्स को ये सी बॉर्डर्स को
से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा डेड सी का जो आता है वो इसराइल के हिस्से में आता है। तो डेड सी जो है वो इसराइल में है। डेड सी हैज सॉल्ट इन ह्यूज क्वांटिटी एंड इट इज फेमस बिकॉज वी विल नॉट ड्रोन इन दिस सी। यानी कि जो डेड सी है उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, लगभग 300 ग्राम नमक होता है एक लीटर पानी के अंदर। तो यहां पर ये पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि यहां पर लगभग किसी भी चीज को डुबाना नामुमकिन है। सम आइटम्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सम आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे चीनी पूरी घुल जाती है और वो जो है क्या नाम है उसका रेत वगैरह नहीं घुलती है। तो हालांकि चौथे फोर्थ क्लास के अंदर भी इसके ऊपर चैप्टर है अ ट्रीट विद वाटर के अंदर मैंने कहा था कि एलम के साथ जो है फिटकरी के साथ पानी की प्यूरिफिकेशन के बारे में उसके अंदर जिक्र किया गया है। सम आइटम विच कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। कोई ऐसी चीज जो पूरी की पूरी पानी में मिल जाए उसको हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, जो पूरा का पूरा ना मिले उसको इनसोल्यूबल कहते हैं। आपको याद, ये तो बड़ा आसान है, दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ, इस चीज को याद रखेंगे आप। इसको महात्मा गांधी जी ने लीड किया। दांडी जो है गुजरात में है जहां पर गांधी जी ने अपना नमक बनाया था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। आप खुद समझिए कि ये 10-12 पॉइंट्स के अंदर मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या ये 10-12 पॉइंट केवल अगर यही बताता तो क्या आप इतनी गहराई से समझ पाते, एक बार विचार करने वाली बात है।